रायपुर के एकात्म परिषद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें वरिष्ठ प्रवक्ता ने मीडिया को कांग्रेस सरकार को असफल बताया। जैसे कि हमारे मित्र ने कहा है, राष्ट्रीय बैंक और लगभग लगभग 170 संस्थाएं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसमें शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है, दूसरे वित्तीय संस्थाएं हैं, इससे हमारे अल्पकालीन ऋण किसानों ने लिया है, उसका कहीं उद्धार नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ इसका बड़ा पार्ट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकार में है, जो राइट टू एजुकेशन है छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने लागू किया था, जिसका एक कार्यशाला मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के विधानसभा में होता है, उसमें शामिल है। मुझे लगता है ये जो बुनियादी शिक्षा के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार की जो रवैया है, यदि उसमें ही सुधार करें तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं समझता हूँ फिर शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हुई। एक और घोषणा उन्होंने की है कि तेंदुपत्ता 4000 रुपये प्रति माना कोड़ा खरीदेगी, पहले 2500 खरीदे तो 4000 खरीदेगी, इसके अलावा वनोपज पे भी 10 रुपये अधिक MSP देने का भी निर्णय लिया। देखिए, हमारे समय में जो आंकड़े हैं तेंदुपत्ता के, वो लगभग लगभग बोनस और दूसरे सुविधाओं मिला के 9000 से ऊपर होता है। 9000, आप कहाँ 4000 की बात कर रहे हैं, 2500 दे रहे हैं, 9000 कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में अपने घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता के मामले पर तेंदुपत्ता श्रमिकों को, उनके संगठनों को, समितियों को जिस प्रकार से देने वाले हैं, ये खुद चौंक है। इस तरीके की घोषणा जो है 4000 रुपए प्रति माह खोखले पर तो उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में बस यही कि 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस है, अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया है, अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी सभाएं होगी और हमारे अन्नदाता किसान अपने उपज को, अपने खून पसीने की उपज को सही तरीके से बेच सके, उसके लिए हम सब किसानों के साथ उनको शुभकामनाएं देते हैं। कहीं भी धान खरीदी के भुगतान में और धान खरीदी की व्यवस्था में कमी ना हो, ऐसी हमारी कोशिश है। 2021 में लगभग 237 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों को कम दिया है, आप इनका वादा कहां रह गया? 2500 रुपए क्विंटल में आज तक इन्होंने खाद अभी जो दे रहे हैं, क्या देंगे पता नहीं, पूरी की स्टडी मिली है, इन्होंने 2500 रुपया क्विंटल नहीं दिया, अभी 3600-3200 की बात कर रहे हैं क्विंटल से अच्छा रहा है। सहकारिता को नष्ट नाबूद करने का आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूँ मित्रों, कि जो प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां हैं 2058 प्रदेश में, उनका निर्वाचन पिछले साल बड़ी धूम में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और 725 1333 सोसाइटियां पहले थी और 725 सोसाइटियां नई बनी है कब 2019 में, जिसका नियम है कि 45 दिन के अंतर्गत नवीन सोसाइटियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक लगभग 4 साल हो गए उनका चुनाव नहीं हुआ। मैं माननीय भूपेंद्र बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, सहकारिता मंत्री से पूछना चाहता हूँ, किस नियम के तहत जो है वो सोसाइटियों में आपने YC बैठाया है शासकीय सदस्यों को और वो सोसाइटियां कैसे चलेंगी? तो ये पूरा सहकारिता को नेस्ट नाबूद कर, जिसका सपना 1945 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने देखा था कि बुनकर सोसाइटियों को बना करके उनकी समृद्धि के लिए, उनके उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया था, कि सहकारिता के माध्यम से इनका उन्नयन होगा जो है सदस्यों का, उसको इन्होंने नेस्ट नाबूद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब कार्यकाल समाप्त हो गया सोसाइटी को, एक नियम है धारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 53(49)(8)(क) के तहत प्रावधान है, 50(6)(8)(क) के तहत प्रावधान है, किसी भी सोसाइटी का कार्यकाल समाप्त होने के पहले उसका निर्वाचन कराया जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण यदि नहीं हुआ है तो सोसाइटी के माध्यम में, सोसाइटी के
मद्देनजर सहकारी सोसाइटियों में 6 माह के अंतर्गत और सहकारी बैंकों का 1 वर्ष के अंतर्गत निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। देखिए मित्रों, आज जो है सहकारी समितियों का लगभग 1.5 साल हो गया प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का निर्वाचन किया गया और सहकारी बैंक 6 सहकारी बैंक है और 1 एपेक्स बैंक है राज्य सहकारी संघ, वहां लगभग 3 वर्ष से 2.5 साल से जो है जो कांग्रेस के पदाधिकारी है वरिष्ठ नेता है वो प्राथमिक अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्राथमिक अधिकारी जो होते हैं बैंकों में सोसाइटियों में उनको पंजीयन की सक्रिया प्राप्त होती है उसका उपयोग करने का जो है उनको नियम है प्रावधान है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उनको पंजीयन की सक्रिया प्राप्त है तो क्या चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आज बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं जो बैंक के अध्यक्ष है एपेक्स बैंक के अध्यक्ष है और सरकारी सोसाइटियों में जो प्राथमिक अधिकारी हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं शासकीय गति बैठे हैं, तो वो क्या है पंजीयन की जो सक्रिया प्राप्त है क्या वो कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं किसी पार्टी के कर सकते हैं क्या, जो गलत है इसका हमने आपत्ति भी दर्ज किया है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह से जो 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है, 1 नवंबर से धान की खरीदी हो रही है होने वाली है उसमें निश्चित रूप से प्रलोभन देंगे किसानों को मतदाताओं को भ्रमित करने के और कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करेंगे जो गलत है सर्वथा गलत है। और इन्होंने ये भी घोषणा की है कि इस बार फिर कर्जा माफ करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि विगत पर जो 2018 में इन्होंने कर्जा माफ किया था वो राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्जा क्यों नहीं माफ किया, लगभग 6,000 करोड़ उनका कर्जा था लेकिन उसको इन्होंने नहीं माफ किया और 2,739 करोड़ रुपया जो है अन्य बैंकों के निजी सदस्यों का कर्जा माफ हुआ लेकिन 6,000 करोड़ लगभग अन्य बैंकों का था और लगभग जो है 8,000 करोड़ सरकारी समितियों का था जिसका उनका कर्ज नहीं माफ हुआ है दावे के साथ करता हूँ। और उसमें से भी जो सरकारी बैंक है उनके पेट जो है 161 करोड़ रुपया आज भी उनको नहीं मिला है, जो ओवरड्यू हो गए थे लोन वो सरकारी बैंकों ने वहन किया था उसकी राशि आज सरकारी बैंकों को नहीं मिली है और सोसाइटियों पे जो कर्मचारी हैं आज वहाँ पर तालपत्री भूसा जो सप्लाई हो रही है दलित के लिए भी धान खरीदी होगी उसमें जो वाईसी बैठे हुए हैं शासकीय व्यक्ति जो अध्यक्ष अपने अपने ग्रह बैठे हैं वो भेजते हैं जबकि नियम है मंडी को कहा नियम है सोसाइटियाँ टेंडर ले जा रहे हैं कोटेशन काल करेगी उसमें जो न्यूनतम दर होगा उनसे तालपत्री और भूसा खरीदा जाएगा। आप देखिए बना इस तरह से जो हो रहा है सजग किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और बताऊँ केंद्र सरकार आपको बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार पर जो है धान खरीदी करती है लेकिन उसके अतिरिक्त ये आपको देखिए बताना चाहता हूँ जो सोसाइटी जो कमीशन मिलता है 30-35 रुपया क्विंटल आपको जो प्रासंगिक व्यय है जो सुखक है 1% और परिवहन चार्ज है ये सारा पैसा केंद्र सरकार देती है वहन करती है। इस तरह से लगभग पिछले वर्ष जो धान खरीदी हुई उसमें 2400 रुपया प्रति क्विंटल केंद्र सरकार वहन की है जिसमें कमीशन भी देती है सोसाइटी को लेकिन ये जो है ये आज तक उस कमीशन 10 महीने हो गए लगभग धान खरीदी के नहीं किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सोसाइटी को स्थापित करने लगभग 74,000 करोड़ रुपया जो है तो धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की है ये ज्यादा ज्यादा 4-5,000 करोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम करते हैं इन्हीं बातों के साथ मैं करना चाहता हूँ सरकारी का स्थापित करने का सजेस्ट बताया।